आपका इससे परिचय कैसे हुआ, धर्मवीर सैनी से कैसे परिचय हुआ? धर्मवीर सैनी से इसके मिट्टी के समय हम खुद रहते हैं, हमें परेशान करके क्या तो हम क्या करें मिट्टी के समय हम खुद। धर्मवीर सैनी आप क्या लगता है, क्या लगता है धर्मवीर सैनी आपका? कुछ नहीं लगता है। तो इस सैनी के साथ आपको मिला ना, धर्मवीर सैनी को आपसे जानते हो? धर्मवीर सैनी को जी अभी जानते हैं 8-10 दिन से हैं, जब से जांच गए रखी है हमने 4 तारीख से। सैनी को भी तब से ही जानते हो ना, पहले से नहीं जानते? और इसको? इसको भी पहले कभी मिले हो? नहीं कभी। बातचीत हुई है? नहीं। क्यों कह रहे थे 6 साल से घर में आना जाना है, बुढ़ी माता पे रहता है सर बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान गोयल है। ईशान जी क्या हुआ था डीएम कार्यालय में आपके साथ? हम डीएम कार्यालय जब सुबह 11 बजे पहुंचे तो डीएम साहब ने हमें अंदर बुलाया। मेरे साथ पीड़ित लोग थे जिनके साथ मैं गया था, जिनकी भूमि पे अवैध खनन हो रहा था। तो उन्होंने उनकी समस्या सुनी और मेरे से पूछा कि आप कौन हो। मैंने अपना परिचय दिया, मैं ईशान गोयल हूँ और मीडिया हाउस में मैं काम भी करता हूँ प्लस पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आपका राइट नहीं है, आप बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं बाहर जैसे ही आया तो वो मुझे सड़क पे डीएम साहब खुद उठ के लेने आए, वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे। उन्होंने देखा वो मुझे प्यार से अंदर ले गए कि आप अंदर चलिए अंदर चलिए। और अंदर कमरा बंद करते ही उन्होंने मेरा गला पकड़ के मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी, जान से मारने की कोशिश करी और कहा कि साले अगर तू दोबारा यहाँ दिखाई दे गया ना तो मैं शहर का डीएम हूँ, शहर का यहाँ का मैं वो हूँ अधिकारी और तुझे जान से मार दूंगा, आइंदा यहाँ दिखाई मत दियो। क्या कारण रहा ये जो आपके साथ? कारण सर ये था कि वहाँ पे वीसी जो थे उपाध्यक्ष एचआरडीए के वो नितिन सिंह भदौरिया बैठे हुए थे, उनकी वो मेरे से बहुत ज़्यादा जो है वो खुन्नस रखते हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं वो लोग, क्योंकि मैं एचआरडीए के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहा हूँ। एचआरडीए 8 अरब रुपये का राजस्व हरिद्वार में छोड़ के बैठी है, मेरी मांग है कि ये लोग वसूल करें। मैंने अभी लास्ट ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी भदौरिया जी के खिलाफ, जिसपे कि उन्होंने मुझे 21 तारीख को चिट्ठी लिख के और जी मुझे कार्यालय में आके बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। वो लोग मेरे से काफ़ी चिढ़े हैं और अंदर उन्होंने भदौरिया जी ने बोला कि सर ये लड़का तो इसने नाक में दम कर रखा है और जी इसको आप बुला के इसको दंड दो। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया और जी बहुत ज़्यादा मारा और जान से मारने की धमकी दी अगर तुमने मुंह खोला।